दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में आपका रिस्पांस देख के मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस वीडियो पे दिया है। इन्हीं वीडियो को देख के कुछ लोगों ने मुझसे एक प्रश्न किया कि सर, आप क्यों नहीं फोटोशॉप पे कुछ बताते हैं, जैसे बहुत लोग जो है आयुष्मान कार्ड प्रिंट करते हैं, उनको जो है एक साथ A4 साइज पे कार्ड सेट करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो किस तरीके से A4 पे जो है कार्ड सेट हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई, तो उनमें से एक समस्या मैं आज आपको उसका सलूशन देने जा रहा हूं कि आयुष्मान भारत कार्ड को फोटोशॉप की मदद से किस तरीके से हम एक ही पेज पे बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूँ नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप में किस तरीके से आयुष्मान भारत कार्ड को एक ही पेज पे कई कार्ड कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं फोटोशॉप। अगर आपके सिस्टम पे फोटोशॉप इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे फोटोशॉप का आइकन दिख जाएगा। इस फोटोशॉप के आइकन पे क्लिक करके आप फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप एक बहुत ही हैवी एप्लीकेशन होती है, इसलिए ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने फोटोशॉप की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम उन आयुष्मान कार्ड को ओपन करेंगे जिन्हें हमको एक पेज पे सेट करना है। इसके लिए दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि फाइल पे जाके ओपन मेनू में जाके ओपन एज करके वो फाइल को ओपन करते हैं जो भी फोटोशॉप में ओपन करना होता है, या इसका एक शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+O, इससे भी वो ओपन कर लेते हैं। लेकिन हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं किसी भी फाइल को फोटोशॉप में ओपन करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जहां पे भी ये वर्किंग एरिया, ये यहां पे जहां आप देख रहे हैं मेरा माउस मूव कर रहा है, ये फोटोशॉप का वर्किंग एरिया कहलाता है। इसके किसी भी एरिया में, किसी भी वर्किंग एरिया के किसी भी पॉइंट पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पे ओपन ब्राउजर ओपन हो गया है, जिससे आप जहां पे भी आपके आयुष्मान कार्ड हो उन्हें आप ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आयुष्मान कार्ड पड़े हुए हैं, इनको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब सपोज करिए हम 5 ओपन करते हैं, 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से 5 को हमने कंट्रोल के साथ सबको क्लिक कर लिया है, तो सारे ये सिलेक्ट हो गए हैं और हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया है। जब ओपन करेंगे तो ये चूंकि PDF में है तो इंपोर्ट PDF करके कहेगा, और आपको 5 कार्ड आपने किए हैं, ये जितने भी कार्ड आपने किए हैं उतनी बार आपको ओके करना होगा। ये फर्स्ट कार्ड के लिए हो गया, ये सेकंड कार्ड के लिए हो गया, ये थर्ड कार्ड के लिए हो गया, ये फोर्थ कार्ड के लिए हो गया, और ये अपना आखिरी 5वें कार्ड के लिए हो गया। इस तरीके से आप 5ों कार्ड को ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप बहुत आसानी से यहां पर इन कार्ड को एक ही पेज पे ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, F7। जैसे ही आप F7 बटन प्रेस करेंगे, आप देखिए मैंने F7 प्रेस किया और ये सारे कार्ड एक पेज पे आपके अपने आप सेट हो गए हैं। आपको इस यहां पर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। फिर इसे आप यहां पे फाइल मेनू में जाके सेव फॉर वेब करके यस करके आप इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे सारे आपके आयुष्मान कार्ड एक ही पेज पे आ गए हैं, इन्हें आप यहां पे सेट कर सकते हैं और यहां पे आप इन्हें सेव कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप इसे, जैसे कार्ड नाम से या किसी भी नाम से, आप इन्हें सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है सारे कार्ड ऑटोमेटिकली आपके बन गए हैं और ये से। तो इतना आसान तरीका है आयुष्मान कार्ड सारे अलग अलग एक साथ किस तरीके से आप एक ही पेज पे ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये F7 की ऐसे ही फोटोशॉप पे काम नहीं करती है। इसके लिए एक एक्शन फाइल को लोड किया जाता है फोटोशॉप की एक्शन विंडो में। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपको ये फाइल मिलेगी कहां से? तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग का लिंक नीचे दिए दे रहा हूं, जहां से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब वो फाइल डाउनलोड करेंगे कैसे, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। इसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, जैसे ये यहां पे मैंने जो है क्रोम ओपन कर लिया है, और यहां पे आप डालेंगे लिंक, ये आपको जो है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेरा ब्लॉग avinashsingh.co.in को ओपन कर लेंगे और यहां पे देखिए सारी डिटेल आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। आयुष्मान भारत प्रिंट विद फोटोशॉप, रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रीड मोर पे आप क्लिक करते हैं, आप पाएंगे कि यहां पे नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो इस जगह पे ये देखिए यहां पे एक फाइल का लिंक है, एक्शन फाइल डाउनलोड लिंक। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो आप पाएंगे कि ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसको कहाँ पे लोड करना है, तो इसे आप किसी भी लोकेशन में लोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे लोड कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरी अविनाश सिंह टेक गुरु नाम से ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब इस फाइल को हम यहाँ पे फोटोशॉप में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो में जाके ये एक्शन बटन पे क्लिक कर देना है या अल्ट के साथ F9 दबा देना है। तो जैसे ही आप अल्ट के साथ F9 प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक्शन विंडो ओपन हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसमें जो ये हमारा एक्शन विंडो में ओपन हुआ था, इसे हम हटा देते हैं, जिससे जो है हम लोड करके आपको दिखा दें कि कैसे लोड होगा। इसे हमने हटा दिया है। लोड करने के लिए ये देखिए इसका मेनू ऑप्शन है, यहाँ पे जाके लोड एक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लोड एक्शन पे आप क्लिक करेंगे, फाइल हमने डेस्कटॉप पे डाउनलोड की थी, तो ये फाइल हम डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारी वो फाइल कहाँ पर है। जैसे अविनाश नाम से या मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आई है, तो जहाँ पे भी है हमारी फाइल हमने ब्लॉग के अंदर रखी हुई है। ये ब्लॉग में जाकर हम यहाँ पर ये कहाँ है हमारा, यहाँ पे आयुष्मान भारत के अंदर जाके इस फाइल को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आपका ये F7 बटन काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कार्ड को आप एक पेज पे कैसे लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम।